बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद के शीर्ष स्तर पर विरासत को संभालने को लेकर जारी उठापटक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी वाले हैप्पी मोमेंट के कारण थमा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता इसके समापन की कामना भी कर रहे हैं, किंतु राजद की मुजफ्फरपुर इकाई में अंदरखाने एक तूफान उठा हुआ है, खासकर साहिबगंज की सीट पर। बता दें कि राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रामविचार राय की बेटी सोनी देवी ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री की है। वहीं पूर्वी चंपारण के अदापुर से निर्विरोधी प्रमुख चुनी गई है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की घोषणा कर दी है। सोनी देवी पहली बार चुनाव लड़ी और विजय रही। इसके बाद आदापुर प्रखंड की प्रमुख बन गई। सोनी देवी को प्रखंड का निर्विरोध प्रमुख चुना गया। राजनीति में उनके पदार्पण से जिले में राजद की राजनीति के अंदर ही अंदर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पूर्व मंत्री रामविचार राय के निधन के बाद कुछ नेता खुद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने लगे थे, साहिबगंज सीट से अपनी दावेदारी पेश करने लगे थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि पूर्व मंत्री का कोई बेटा नहीं है, वैसे विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस तरह के नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोनी देवी के आने के बाद उनकी नींद खराब हो गई है। वे कह रहे हैं कि अब क्या होगा। लालू परिवार से रामविचार राय के मजबूत रिश्ते को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। प्रमुख पद पर जीत के बाद खुशी व्यक्त करते हुए सोनी कहती हैं कि पिता से ही राजनीति सीखी है। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी के साथ ही समाज के अंतिम पांत के लोगों की सेवा करते रहे। उनके राजनीति विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं अपने ससुराल में प्रमुख बनी हूं, लेकिन नैहर से भी मेरा लगाव है। मेरे पिता राजद के संस्थापक सदस्य रहे हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे पार्टी के साथ रहे, लगातार साहिबगंज की सीट से चुनाव जीतते रहे। पिछली बार जब राजद और जदयू की सरकार बनी तो उसमें रामविचार राय कृषि मंत्री बनाए गए थे। सोनी देवी ने कहा है कि वह अपने पिता को राजनीति का आदर्श मानती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवरिया में मेरे पिता जिस आवास में रहकर राजनीति करते थे, जहां से जनता की सेवा करते थे, उस आवास से सेवा का काम चलता रहेगा। पिता के मरने के बाद मैंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर आशीर्वाद लिया है। जिस तरह से पिता ने पार्टी नहीं बदली, उसी तरह से मैं भी राजद के साथ रहूंगी। सोनी देवी के पति आदापुर चैनपुर निवासी सरोज यादव कहते हैं कि उनकी पत्नी पहली बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ी और प्रमुख बनी। आदापुर प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों का सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि उनके चाचा शिवचंद्र राय आदापुर के प्रमुख रह चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर उनके परिवार की बहू को जनता ने सेवा का मौका दिया है। सरोज की माने तो वे मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में लगातार जनता के बीच सेवा का काम कर रहे हैं। पार्टी में सक्रियता है। नए साल में पूर्व मंत्री रामविचार राय की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन होगा। इसमें राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता शामिल होंगे। प्रखंड प्रमुख सोनी देवी तीन बहन है, उनमें से दो की शादी चंपारण और एक की शादी वैशाली जिले में हुई है।